आप पढ़ लिख कर कमाना जानते हैं, लेकिन क्या कमाई करने के बाद आप उसी तरह से अपनी कमाई को सही तरीके से निवेश करके और ज़्यादा कमाई करना जानते हैं? यदि इसका जवाब है ना, तो फिर आपको आज ये शो ज़रूर देखना चाहिए। और क्यों देखना चाहिए? क्योंकि आज मैं आपकी मुलाकात करवाने जा रहा हूँ एक ऐसे खास व्यक्तित्व से जिन्होंने पिछले 35 सालों से इस बात का बीड़ा उठाया है और पूरे देश भर में करोड़ों इन्वेस्टर्स को जागरूक करने का जिम्मा लिया है और घर घर में उन्होंने निवेश की पूरी जो एक मुहिम है वो फैलाने में हमारी मदद की है। जी हाँ, मेरे साथ कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं बाजार के जाने माने विशेषज्ञ कोटक म्यूचुअल फंड के MD नीलेश शाह साहब कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं। नीलेश भाई, बहुत बहुत स्वागत है आपका, धन्यवाद हमें समय देने के लिए। और आज आपको विशेष आमंत्रित मैंने इसीलिए किया कि मैंने सोचा कि जब हम फाइनेंशियल और इन्वेस्टमेंट की अवेयरनेस की बात कर रहे हैं तो आपसे बेहतर कोई हो नहीं सकता, क्योंकि एक आप पिछले 35-40 साल से ये काम कर रहे हैं और दूसरा आप जिस भाषा में समझाते हैं बड़ी आसानी से, जो आप क्रिकेट, फिल्म और साथ ही साथ मेथोलॉजी के एग्जाम्पल देखे लोगों के दिमाग में बसा देते हैं, वो लाजवाब है। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले शुरुआत इसी बात से करना चाहता हूँ, क्या लोग जो समझते हैं कि हमने कमाई की, कमाई करके पैसा बचा लिया और वही हमारी फाइनेंशियल और इन्वेस्टमेंट की लिटरेसी है, क्या ये सही है? धन्यवाद अनिल जी, आपने मुझे यहाँ पे दिल की बात करने के लिए बुलाया। एंड हमारा भारत देश सेविंग्स के मामले में तो काफी ठीक है, तकरीबन 30-35% ऑफ GDP हम बचा लेते हैं, लेकिन जब निवेश की बात आती है तब हम बहुत पीछे रह जाते हैं। RBI का डेटा है FY21 से FY23 के बीच में फाइनेंशियल फ्लोज ऑफ हाउसहोल्ड कुछ इस तरह रहा कि म्यूचुअल फंड में 4 लाख करोड़ के आसपास आए, डायरेक्ट इक्विटी में 1 लाख करोड़ के आसपास आए, और करेंसी नोट जहां पे आपका पैसा खोना एकदम गारंटीड है वहां पे 9 लाख करोड़ के आसपास आए। 3 साल जहां पे मार्केट ने सेंचुरी मारी उसमें जितना पैसा लोगों ने लगाया उससे कहीं ज्यादा पैसा जहां पे पैसे नष्ट होने वाले हैं उस करेंसी नोट में लोगों ने लगाया। तो आपने बिल्कुल सही फरमाया है, लोग सेविंग्स कर लेते हैं बट निवेश के मामले में हमें अभी बहुत आगे जाना बाकी है। और आमतौर पर जो मिलेनियल्स हैं और जो जेंजी हैं, मिलेनियल्स तो अब लगभग वो कहते हैं ना कि अधेड़ उम्र में पहुंच रहे हैं, जेंजी अब कॉलेज से निकल रहे हैं, अपना पहला जॉब ले रहे हैं, तो इनके लिए मैं जानना चाहता हूँ कि इनके लिए किस तरह के ऑप्शंस हैं जब वो अपने करियर की शुरुआत कर रहे हैं, तो उन्हें किस तरह से बचत करनी चाहिए, कितनी बचत करनी चाहिए और शुरुआत में कहाँ निवेश करना चाहिए? सो मैं सारे मिलेनियल और जेंजी के लिए वॉरेन बफे की एक बात प्रस्तुत करना चाहूंगा। उन्होंने तकरीबन 12 साल की उम्र में इक्विटी में निवेश किया था और फिर भी जिंदगी भर रंज रखे कि मैंने शुरुआत लेट कर ली। तो एक, आप शुरुआत जल्दी करिए, लेट द मैजिक ऑफ कंपाउंडिंग वर्क फॉर यू। वैसे भी हमारे में कहावत है बूंद बूंद से सागर बनता है, जितनी जल्दी शुरुआत करेंगे उतना ही आपका सागर बड़ा बनेगा। दूसरी चीज है कि जब आप निवेश करना चालू करें तो एक डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो पे निवेश करिए। हम में लालच भी है और भय भी है, जब मार्केट का पिछला परफॉर्मेंस बहुत अच्छा होता है हम लालची बन जाते हैं, और जब मार्केट का पिछला परफॉर्मेंस खराब होता है हम भयभीत हो जाते हैं। इसीलिए बहुत जरूरी है कि आप एक डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो में निवेश करें। कई जेंजी कहेंगे कि हम तो शुरुआत कर रहे हैं, कोई वांधा नहीं, आप असेट एलोकेशन फंड या बैलेंस एडवांटेज फंड जैसे कैटेगरी के फंड में SIP कर सकते हैं, उससे आपको इक्विटी, डेट, कमोडिटीज इन सारे क्षेत्र में निवेश का मौका मिलेगा। और फाइनली एक चीज हमेशा याद रखना, जल्दी का काम शैतान का। लोग रातों रात अमीर बनना चाहते हैं बट आपको और मुझे दोनों को मालूम है देयर इज नो शॉर्टकट टू सक्सेस।
लोग क्रिप्टो में जाके खेलते हैं, एफएनओ में अपना फ्यूचर बर्बाद करते हैं, एनएफटी जैसे पेतरे आजमाते हैं। किसी ने 2% गारंटेड रिटर्न की बात कर दी तो पोंजी स्कीम में दाव लगा देते हैं। कहीं कोई बोल दे कि ये टिप में स्टॉक खरीद लीजिए, आंख बंद करके कूद जाते हैं। ये सारे पैंतरों से दूर रहिए, रातों रात अमीर बनना नामुमकिन है। आप सही तरीके से लंबी अवधि के लिए निवेश करिए। सो तीन चीजों पे ध्यान रखिए, बूंद बूंद से सागर बनता है, रेगुलर इन्वेस्टमेंट करिए, जल्दी शुरुआत करिए। डोंट पुट ऑल एग्स इन वन बास्केट। मार्केट का पिछला परफॉर्मेंस देख के निवेश मत करिए, एक डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो बनाइए। और जल्दी का काम शैतान का, इसलिए लंबी अवधि के लिए निवेश करिए। तो बहुत सारा फूड फॉर थॉट दे दिया आपने जेनजी को कि क्या नहीं करना है, ये बड़ा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि क्या करना है वो तो बात की बात है, पहले क्या क्या नहीं करना है अगर वो भी आप समझ गए तो कम से कम आपके पैसे तो सेफ हो जाएंगे, बाद में कितने बनते हो। अच्छा नीलेश भाई, एक बड़ी समस्या नए नए निवेशकों के साथ में या जो अभी अभी पैसा कमाना शुरू है, उनको लगता है भाई यार अभी तो पैसा कमाना शुरू किया है, सैलरी आना शुरू है, लाइफ एंजॉय करने का वक्त है, बाद में तो शादी हो जाएगी, जिम्मेदारी आ जाएगी और पता नहीं क्या क्या करना पड़ेगा, तो मैं बचाऊं क्यों, या बचाऊं तो कैसे बचाऊं, पैसे भी तो इतने छोटे से हैं, थोड़े से तो सैलरी है क्या। तो ये जो दुविधा है, एक लाइफ भी जीनी है, पैसे भी कम हैं, बचाने की गुंजाइश भी कम है, ऐसे में ये बचत की आदत डालें तो कैसे। सो अनिल भाई, इसके तो बहुत सारे तरीके हैं। आप लास्ट शो में मूवी देखने जाए उसकी जगह मैटिनी में चले जाए, आप एक महंगी रेस्टोरेंट में जाए उसकी जगह एक एवरेज रेस्टोरेंट में चले जाए, आप सही तरीके से निवेश करें। सो एक ही आदत डाल देनी चाहिए। बहुत लोगों को लगता है इनकम माइनस एक्सपेंसेस इक्वल टू सेविंग्स, और एक्सपेंसेस इतना करते हैं कि सेविंग्स नेगेटिव हो जाती है और क्रेडिट कार्ड पे बोरोइंग करके वो घर चलाते हैं। आपको और मुझे दोनों को पता है क्रेडिट कार्ड के ऊपर ब्याज कितना लगता है। भारत में बहुत कम ऐसे एंटरप्रेन्योर्स है जिनका रिटर्न ऑन इक्विटी क्रेडिट कार्ड के इंटरेस्ट के बराबर होगा। आप हमेशा ये तय रखिए, इनकम माइनस सेविंग्स इक्वल टू एक्सपेंसेस। अगर आप 100 रुपए कमाते हैं उसमें से कुछ पैसा हर महीने बचाइए और बाकी जो पैसा रहा उसको खर्चा कीजिए। त्रेवट त्रिजो भाई, ऐसा गुजराती में एक कहावत है, कर कसरता आपके लिए एक दोस्त के बराबर है। तो अपने खर्चों पे लगाम रखिए, लाइफ एंजॉय करिए बट रिस्पॉन्सिबली करिए। बिल्कुल ठीक बात है, खर्चों पर लगाम रखे और बचत की आदत डालना बेहद जरूरी है। अब बचत की आदत के साथ साथ हमेशा ये रहता है कि बड़ी बड़ी मुश्किल से पैसा कमाया और शुरुआत में तो जो सैलरी आती है उसके मतलब एक चार्म ही अलग है, और उससे ज़्यादा मुश्किल से बचाया है, तो अब मैं रिस्क कैसे लूँ, एफडी में डाल दूँ या फिर वाकई में इक्विटी ठीक है शुरुआत करनी चाहिए। सो अनिल भाई, जोखिम वो चीज़ है जो आप जानते नहीं। अगर मैं मुझे पता है कि दूसरे माले से कूदूंगा तो हाथ पैर टूटेंगे और उसके बाद भी कूदू तो वो जोखिम नहीं है, वो तो फिर हमने हाथ पैर तोड़ने की कोशिश की, वो है। इक्विटी में रिस्क है, इसमें कोई डाउट नहीं है, बट वो रिस्क तब है जब आप छोटी अवधि के लिए निवेश करते हैं। आप आपकी कारकिर्दगी की शुरुआत कर रहे हैं, ये तो बहुत लंबी पारी आपको खेलनी है। आज जो बड़ी वॉलेटिलिटी दिखती है 15 साल बाद देखेंगे तो दिखाई भी नहीं देगी चार्ट के ऊपर। जब तक आपके पास लंबी अवधि है तब तक आपको इक्विटी में कोई डर नहीं होना चाहिए। छोटी मोटी उतार चढ़ाव आते रहेंगे, बट एक जमाने में जितना सेंसेक्स या निफ्टी था उतनी तो आज सेंसेक्स और निफ्टी में डेली मूवमेंट हो जाती है। तो लंबी अवधि रखिए, जोखिम अपने आप टल जाएगा। लंबी अवधि के लिए रखेंगे तो जोखिम टलने के पूरे पूरे आसार हैं। अब सर एक जो बड़ा सवाल है कि नया नया कमाने शुरू हुआ है, अब इन्वेस्टमेंट और फाइनेंस को समझना भी है, तो क्या
जो इन्वेस्टमेंट वाला काम खुद करें या कोई एक एडवाइज़र रखना चाहिए, पहली प्रॉब्लम तो यह है। और दूसरी प्रॉब्लम यह कि अगर समझो एडवाइज़र रखने का ख्याल मन में आ भी गया तो इतने छोटे अमाउंट के लिए एडवाइज़र मिलना मुश्किल है, तो इस समस्या से कैसे निकले? सो मेरे हिसाब से आज की जेन ज़ी टेक्नोलॉजी के मामले में हमसे बहुत आगे है, और आज बहुत सारे ऐसे ऑनलाइन एडवाइजर या एग्जीक्यूशन प्लेटफॉर्म्स अवेलेबल है जहां पे आप अपना ट्रांजैक्शन छोटे अमाउंट के लिए भी कर सकते हैं। मेरे हिसाब से जेन ज़ी और मिलेनियल्स दोनों को टेक्नोलॉजी का उपयोग करना चाहिए, और ऑनलाइन आपके पास एडवाइजर भी है, म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर भी है, एग्जीक्यूशन ओनली प्लेटफॉर्म भी है। इनमें से आपको जो अच्छा लगे उसका उपयोग करके लंबी अवधि के लिए अच्छे म्यूचुअल फंड स्कीम का या अच्छे स्टॉक का पोर्टफोलियो बनाना चाहिए। जब मैंने करियर की शुरुआत की थी 1993 में, तब मुझे ये लगता था कि मार्च आया, फरवरी आया और अपने टैक्स बचाना है, और टैक्स बचाने के लिए जो इन्वेस्ट कर दिया वही हमारी इन्वेस्टमेंट प्लानिंग समझ लो, फाइनेंशियल प्लानिंग समझ लो। और आज भी कई सारे लोग वैसा ही सोचते हैं कि भाई कितना टैक्स बचाना है उसके लिए कितना इन्वेस्ट करना है उतना ही करते हैं। तो टैक्स प्लानिंग और इन्वेस्टिंग दोनों में क्या फर्क है और कितना बड़ा फर्क है? अनिल भाई, अगर आज टाइम मशीन का इन्वेंशन होता तो मैं और आप दोनों अपनी करियर में पीछे चले जाते, और उस समय जो खर्चा किया उसमें शायद कटौती करके अच्छे शेयर्स खरीद के बैठ जाते। सिमिलरली अगर हमने जब निवेश किया टैक्स बचाने के लिए तो पीएफ प्रोविडेंट फंड या पीपीएफ पब्लिक प्रोविडेंट फंड या इंश्योरेंस पॉलिसी में निवेश किया। अब आप उसी जगह पे इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम में निवेश करते, प्रोविडेंट फंड के जगह पे न्यू पेंशन स्कीम में निवेश करते, तो आपका रिटर्न कितना अलग होता। सो मेरे हिसाब से बिकॉज टाइम मशीन का इन्वेंशन होना मुश्किल है, आप हमारे अनुभव से सीखिए, पीएफ की जगह पे या पीपीएफ की जगह पे इक्विटी लिंक सेविंग्स एनपीएस को देखिए, टैक्स की बचत हो और निवेश सही तरीके से हो वो दोनों बहुत जरूरी है। और इक्विटी लिंक सेविंग स्कीम में आपके पास 3 साल का लॉक इन है, तो अपने आप लंबी अवधि के लिए निवेश करते हैं, और अगर भारत की ग्रोथ की रफ्तार ऐसे ही चलती रही तो ये कहने में जायज होगा कि जैसे पिछले 15-20 सालों में इक्विटी लिंक सेविंग्स ने धड़ल्ले से पीपीएफ को आउट परफॉर्म किया है, वैसा ही परफॉर्मेंस आगे भी शायद रहेगा। आजकल क्या वो हमारे यहाँ बड़ा अमेरिकन कल्चर आ रहा है, हम अमेरिका की तरह ही पहनना चाहते हैं, खाना चाहते हैं, और उन्हीं की तरह का क्रेडिट कल्चर भी आ रहा है। वो कहते तो है ना पुरानी कहावत, जब तक जो उधार लो और घी पियो। तो हमारे यहाँ भी वो क्रेडिट कार्ड वाला कल्चर, क्रेडिट पे लेने वाला, पर्सनल लोन से लेके क्या क्या नहीं सारे लोन, और अब सबको लगता है कि लोन मिल रहा है, आसानी से मिल रहा है, क्यों ना ले। तो ये जो खराब आदत पड़ जाती फिर बार बार उधार लेने की, इसको कैसे कंट्रोल करना है? So, मेरे हिसाब से देयर आर फ्यू थिंग्स जो अमेरिकन कल्चर से हमें सीखना चाहिए। ज्यादातर अमेरिकन लोगों का एक 401k प्लान होता है जो उनके रिटायरमेंट सेविंग्स होती है, एंड उनके जो पेंशन फंड मैनेजर है, चाहे 401k के प्लान मैनेज करते हो चाहे इंडिपेंडेंट पेंशन फंड मैनेज करते हो, वो बड़ी बखूबी मैनेज करते हैं और बड़ा अच्छा रिटर्न अपने निवेशक के लिए बनाता है। भारत में 401k जैसा प्लान नहीं है तो आप गिनी चुनी म्यूचुअल फंड स्कीम में निवेश करके अपने लिए 401k बना सकते हैं। दूसरी चीज है, अमेरिका में आज जो क्रेडिट कार्ड डेट है वो हमारी इकोनॉमी से तकरीबन 40 गुना ज्यादा है, जो स्टूडेंट लोन डेट है वो हमारी इकोनॉमी से 90 गुना ज्यादा है, एंड अमेरिकन इकोनॉमी हमसे सिर्फ 7 गुना ज्यादा है। तो वहां पे लोग कर्जा लेके अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं, बट आज उसकी साइड इफेक्ट भी दिखने लगी है। अनिल भाई, अमेरिकन बच्चे नॉर्मली जैसे बड़े होते थे
अपने माँ बाप का घर छोड़ के खुद के घर में रहते थे। आज की तारीख में तकरीबन 50% अमेरिकन बच्चे माँ बाप के साथ रह रहे हैं, जो पिछले 1940 के दशक में देखा गया था। तो जब आपने कर्जा लिया तो कहीं ना कहीं आपको बाकी चीजों पे कॉम्प्रोमाइज करना पड़ रहा है। हम खुश नसीब है कि हम अपने पेरेंट के साथ रह सकते हैं, तो हमें उन मजबूरियों का सामना करना नहीं है। हमारे पेरेंट हमारे लिए बहुत कुछ कर रहे हैं, हम उनके लिए फाइनेंशियल बोझ नहीं बनने चाहिए, खुद के पांव पे खड़े रहने चाहिए और 401k की तरह सेविंग्स करके हम अपनी रिटायरमेंट तो सिक्योर करेंगे ही, बट अपने पेरेंट के ऊपर भी फाइनेंशियल बोझ नहीं डालेंगे। बिल्कुल ठीक बात है। तो ये अपने सेल्फ स्टैंड होना बहुत जरूरी है। अब एक जो बड़ा खर्चा हमेशा चुभता है, जब खर्चा आता है तब भी चुभता है, और खर्चा करने की अगर हम सावधानी रखें तब भी बड़ी तकलीफ होती है, और वो है मेडिक्लेम इंश्योरेंस, मेडिकल इंश्योरेंस। क्या वाकई में कम उम्र में मेडिक्लेम लेना ठीक है? क्योंकि बीमारियां तो बड़ी बड़ी और महंगी वाली बीमारियां तो बाद में आती है, तो फिर अभी क्यों खरीदें? तो क्या करियर की शुरुआत में ही मेडिक्लेम ले लेना ठीक है? लेना है तो कितना, या इंतज़ार करें आराम से? अनिल भाई, कई बार आपने देखा है बड़े बड़े अच्छे क्रिकेटर जब खेलने जाते हैं तो हेलमेट पहन के जाते हैं, स्पिनर हो तब भी हेलमेट कई बार पहन के बैठते हैं। अब स्पिनर तो बाउंसर नहीं डालने वाला, बट हेलमेट पहनना जरूरी है। सिमिलरली इंश्योरेंस प्रोटेक्शन के लिए लेना जरूरी है, एक्सीडेंट इंश्योरेंस जरूरी है, हेल्थ इंश्योरेंस जरूरी है और टर्म इंश्योरेंस जरूरी है। इन्हें आप एक्सपेंडिचर मत देखिए, इन्हें आप सुरक्षा के मामले में देखिए। छोटे से पैसे लगा के अगर आपको बड़ी सुरक्षा प्रदान हो रही है तो दैट इज लाइक वेयरिंग हेलमेट, ग्लव्स एंड पैड्स व्हाइल फेसिंग बॉलर्स। और वैसे भी कहते हैं कि कई बार जैसे आपने इंश्योरेंस लिया तो जरूरी नहीं कि आपको बीमार पड़ना ही चाहिए, लाइफ इंश्योरेंस लिया तो जरूरी नहीं कि आपको उसको क्लेम करने के लिए मरना जरूरी है, या कार इंश्योरेंस लिया तो इसके लिए जरूरी नहीं कि आपकी कार का एक्सीडेंट हो। इसे एकदम प्रोटेक्शन के तौर पर देखिए और होना बहुत जरूरी। या कई बार लोग ये सोचते हैं लाइफ इंश्योरेंस के बारे में कि नीलेश भाई अभी तो क्या है, 25 साल 30 साल की उम्र में क्यों लेना है? भाई ऑन एन एवरेज आप 50 60 70 तो आराम से निकाल ही लेते हैं, तो ले लेंगे 35 40 साल की उम्र में जब बढ़िया पैसे होंगे, तो क्या टालना ठीक है? नहीं अनिल भाई, बॉक्सिंग की रिंग में उतरेंगे तो हेड गियर पहन के ही जाना चाहिए, हाथ में ग्लव्स होने जरूरी है। आप क्रिकेट खेलने जाए तो ग्लव्स, पैड, थाई गार्ड एंड हेलमेट पहनना जरूरी है। नाउ ये सब आपके लिए प्रोटेक्शन है और इसे आप खर्चा मत देखिए, एक सिक्योरिटी देखिए। जिंदगी में कल क्या होगा किसी को नहीं पता, एटलीस्ट हम आज जो प्रोटेक्शन ले सकते हैं उसकी पूरा प्रावधान करना जरूरी है। अब आइए इक्विटी इन्वेस्टमेंट पे। आपने कहा भी कि वॉरेन बफेट साहब ने इतनी कम उम्र में शुरू किया, फिर भी उनको यही रिग्रेट रहा कि मैं तो लेट हो गया। अब लेकिन हमारे आजकल के जो नौजवान हैं वो इतना इंतज़ार करना नहीं चाहते। बफेट साहब ने 50 साल की उम्र में बड़ा पैसा बनाना शुरू किया, हमारे ये तो सोचते 50 साल के बाद पैसा बना भी लेंगे तो क्या, तो क्यों ना एक काम करें, थोड़ा ऐसा कोई तरीका हो जिससे फास्ट पैसा बन जाए। और आजकल वो एल्गो ट्रेडिंग, मशीन ट्रेडिंग, ऑप्शंस ट्रेडिंग, इंट्राडे ट्रेडिंग, इन सब में बड़ा इंटरेस्ट आता है कि थोड़ा ट्रेडिंग कर लें पैसा बन जाएगा फिर इन्वेस्ट करेंगे, ऐसा कर सकते हैं ना? कोई दिक्कत तो नहीं नीलेश भाई? अनिल भाई, सेबी का बीच में एक रिसर्च निकला था, 89% लोग जो ट्रेडिंग करते हैं एफएनओ में वो नुकसान करते हैं। हमने कई बार देखा है ट्रेडिंग में कि एक ऑर्डिनरी इन्वेस्टर के लिए पैसा बनाना बहुत मुश्किल है। अगर आपके पास डिसिप्लिन है, एक नॉलेज है, तब आप ट्रेडिंग देख सकते हैं। बट रिमेम्बर, 10-11% लोग ही ट्रेडिंग में पैसा बना पाएंगे और उन्होंने एक अच्छे ट्रेडर बनने के लिए बहुत सारी काबिलियत रखी होगी, टेक्नोलॉजी होगी, कनेक्टिविटी होगी, अल्गोस होंगे और डिसिप्लिन होगा।
एक ऑर्डिनरी इन्वेस्टर के लिए तो मैं यही सूचना देना चाहूंगा, ट्रेडिंग इज इंजीरियस टू योर फाइनेंशियल हेल्थ। वहां निवेश में 10 में से 10 पैसा बना सकते हैं, तो क्यों हम एकदम डिफिकल्ट रास्ता चुने? बेहतर है कि हम सिंपल रास्ता चुने। एंड अगर आप दुनिया के एक महारथी ट्रेडर को देखें, जैसी लिवर मोर करके, उनकी रेमिसेंस ऑफ अ स्टॉक ऑपरेटर करके बहुत अच्छी किताब है लोगों के लिए, ये बाइबल के बराबर है। 1929 के ग्रेट डिप्रेशन में जब पूरी दुनिया नुकसान कर रही थी, वो $1 बिलियन के आसपास का प्रॉफिट बना के घर लौटे। तो जब पूरी टीम ऑल आउट हो गई, वहां पे उन्होंने 5 या 6 सेंचुरी मार दी। इतने महारथी ट्रेडर थे। अंत में क्या हुआ? अंत में उन्हें आत्महत्या करनी पड़ी, बिकॉज ट्रेडिंग कर करके लॉस हो गया। तो डोनाल्ड ब्रैडमैन जैसा क्रिकेटर भी लास्ट इनिंग में 0 पे आउट हुए थे। ट्रेडिंग का भी मेरे हिसाब से नॉर्मल आदमी के लिए, बेरिंग फ्यू एक्सेप्शन, डोनाल्ड ब्रेडमैन जैसा ही हाल होगा। चाहे कितनी भी अच्छी एवरेज हो, लास्ट इनिंग में आप 0 में ही आउट होंगे। देखिए नीलेश भाई, ऐसा आखिरी सवाल आपसे, 50 साल का विजार्ड, मार्केट का एक्सपर्ट, मतलब जो भी मैं नाम बोलना चाहूँ, वेल्थ क्रिएशन को जानने समझने वाला नीलेश शाह, 25 साल के नीलेश शाह को आज के एडवाइस देगा, कि अगर 25 साल पहले आपको नीलेश शाह को एडवाइस देनी होती तो क्या देते? मैं उसे यही कहता कि एक प्रमाद मत करिए, आलस मत रखिए। जब भी आपके पास पैसा आए तो मार्केट टाइम करने की जगह पे सीधा निवेश कर दीजिए। नीलेश शाह ने मार्केट टाइमिंग में जितना पैसा खोया है, उससे कहीं ज्यादा पैसा बन जाता अगर वो सीधी तरीके से निवेश कर लेते, ज्यादा होशियारी नहीं मारते मार्केट टाइमिंग में। ठीक बात है, क्योंकि होता है ना सबके मन में है कि भाई मैं एकदम बॉटम पे डालूंगा पैसा तो मेरा पैसा बहुत बन जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है। पिछले 25 सालों में, 30 सालों में, 40 सालों में हमने कई बॉटम बनते देखे और उसके बाद कई हाइज भी। तो नीलेश शाह साहब यही समझा रहे हैं आपको कि बस जब भी पैसा हो इन्वेस्ट करें, सेंसिबली करें, शॉर्ट टर्म ना सोचें, लॉन्ग टर्म सोचें, डिसिप्लिन के साथ बने रहें। और अगर आप आसान रास्ता जो पैसा बनाने का निवेश के माध्यम से वो चुनेंगे, तो पैसा ज़्यादा आसानी से बनेगा और बड़ा बनेगा। मुश्किल रास्ता जो ट्रेडिंग वाला है वो चुनेंगे तो रिस्क और खतरे ज़्यादा है। तो आज नेशनल फाइनेंशियल अवेयरनेस डे के मौके पर नीलेश भाई, आपने अपने इतने 3 दशकों से ज़्यादा का अनुभव हमारे दर्शकों के साथ शेयर किया, सब कुछ बताया कि किस तरह से उन्हें ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहिए। आई एम श्योर ये आप ये आज का ये एपिसोड हमारे दर्शकों को बहुत मोटिवेट करेगा एक अच्छा इन्वेस्टर बनने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमें समय देने के लिए, थैंक यू सो मच। इस खास शो में आज के लिए इतना ही, आपसे लूँगा इजाज़त, नमस्कार।